brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री भी हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में मारे जा चुके हैं। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये कि ईरान का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ईरान में जिस वक्त मातम पसरा है, उस समय ईरान की सरकार में एक सबसे बड़ा सवाल ईरान के अगले राष्ट्रपति को लेकर है। अब अगले 50 दिनों में नए राष्ट्रपति को लेकर ईरान में चुनाव होंगे। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी और अब उनकी मौत के बाद अगला राष्ट्रपति किसे बनाना है, इसे लेकर चुनाव होगा। लेकिन चुनाव से पहले 50 दिन तक ये कुर्सी खाली नहीं रह सकती है। ऐसे में ईरान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद दिया जाएगा। फिलहाल हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद ईरान के वरिष्ठ नेताओं ने मौजूदा स्थिति को लेकर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अब ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर देजफुली को ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बता दें कि अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मुखबर संसद के अध्यक्ष और न्यायपालिका के प्रमुख के साथ ही 3 सदस्य परिषद का भी हिस्सा होंगे। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद राष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति बनने के साथ ही 50 दिनों के भीतर ईरान में नए राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन होगा, जिसमें अगले राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी। अंतिम राष्ट्रपति के तौर पर मुखबर देजफुली इस पदभार को संभालेंगे। मोहम्मद मुखबर ईरानी राजनेता मौजूदा समय में पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। बता दें, सुप्रीम लीडर अली खुमैनी के साथ अपने गहरे संबंधों के लिए इन्हें जाना जाता है। मुखबर ने इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के बाद 2021 में पहले उपराष्ट्रपति की भूमिका निभाई। क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी नहीं रहे, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद संभालेंगे। बता दें, ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर जो नए राष्ट्रपति बनने तक देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, उन्हें औपचारिक रूप से अब देश में चुनाव करवाना होगा। इस्लामिक गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 131 के मुताबिक यदि राष्ट्रपति के पद पर मृत्यु हो जाती है तो सर्वोच्च नेता की पुष्टि के बाद पहला उपराष्ट्रपति पदभार संभालता है, जिसका राज्य के सभी मामलों में अंतिम अधिकार होता है। हालांकि उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर की मंजूरी लेनी होगी और उसके बाद वो राष्ट्रपति बन पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।